हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं रॉयल पास मन 21 के 1 से लेके लेवल 50 तक यहां पे जो रिवॉर्ड्स हैं सभी का यहां पे जो लुक है वो देखेंगे। इसके अलावा यहां पे जो C4 S11 के टियर रिवॉर्ड्स हैं तो उसका लुक भी आपको मैं दिखाऊंगा, और साथ में यहां पे जो नेक्स्ट परचेज बोनस होगा तो वो भी यहां पे रिवील हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो इस रॉयल पास का इंट्रो, जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा होगा। यहां पे इस बार जो थीम होने वाला है वो है हाई विक्ट्री, और इस बार यहां पे पबजी की 5th एनिवर्सरी पे पूरा रॉयल पास है बेस्ड है। बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो यहां पे 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसका जो आउटफिट है और गन स्किन्स है वो आपको इसके इंट्रो में दिख जाती है। बाकी इधर ये एलाइट पास वाली स्क्रीन है, और यहाँ पे आपको जो मेन रिवॉर्ड्स है वो देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों मन 21 की रैंक 1 पे आपको मिलेगा एक सप्लाई कूपन। अगर आप रॉयल पास परचेज करोगे तो आपको रैंक 1 पे मिलेगा ये एक लेजेंडरी आउटफिट, देख सकते हो ग्रैंड हाई सेट। कुछ मनी आइस की रॉबरी में जो सूट्स यूज किए थे उसकी यहाँ पे फील दे रहा है। एक जेस्टर टाइप का जोकर टाइप का सेट होने वाला है, तो देख सकते हो लेवल 1 पे। उसके बाद यहाँ पे पिस्टल की स्क्रीन यहाँ पे आ रही है, इस बार क्रिमसन एजेंडा P92। तो नॉर्मल सी यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं है, फ्री में टैग दे रहे हैं, तो लेवल 1 की स्किन्स को यहाँ पे बेकार कर दिया। यहाँ पे पोर्टेबल क्लोजेट और मेट्रो बैड है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका लेवल 5 पे जो मिशन कार्ड और नीचे आपको यहाँ पे इसका मास्क है वो मिल जाता है, तो सही में काफी अच्छा मास्क है ये। और बाकी अभी यहाँ पे हमारे पास लेवल 10 दोस्तों, यहाँ पे इस बार ऑर्नामेंट अच्छा हुआ गायब हो चुका है रॉयल पास से मन 21 वाले। तो खासकर इसमें आपको लेवल 10 पे जो टैंक की स्किन है ब्लास्टर टैंक का ये मिलेगी, जो कि सिर्फ पेलोड या 3 पॉइंटों में आप यूज कर पाओगे। तो अब देख सकते हो नॉर्मल सी है, जैसे कि नॉर्मल सस्ता सा ऑर्डिनरी विंगमैन होता है ना, बस वैसा यहाँ पे जो टेक्सचर है उस पर दिया हुआ है अपना टैंक पे। तो चाहो तो बताना कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी है स्किन, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। बाकी फिर यहाँ पे कुछ मिशन कार्ड्स है, बैड है, देन दोस्तों यहाँ पे इमोट भी फ्री पास का इस पर काफी लाजवाब है। देख सकते हो पूरा अपने मसल्स को फ्लेक्स करता है, थोड़ी सी फिर क्लाउन की ट्रिक्स भी यहाँ पे करता है, नीचे गिरता है, फिर यहाँ पे पुशअप्स लगाना स्टार्ट कर देता है। तो ये काफी अच्छा इमोट है और काफी बड़ा इमोट है। और बाकी आपको नीचे आपको यहाँ पे जो अवतार मिलता है और उसके बाद यहाँ पे जो हेलमेट की स्किन है ये देख सकते हो, ये मेरे को सीजन 19 का जो हेलमेट आया था ना कुछ वैसी याद दिला रही है, तो उसको आई थिंक मिक्स करके बना दिया। बाकी वीडियो में आगे आप इसके लेवल 1 और लेवल 2 देख सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे फ्री पास में जो पैराशूट है लेवल 20 पे वो आ जाता है, तो इसके ऊपर आई थिंक जो अवतार RP50 का वो यहाँ पे बना हुआ है। और नीचे आपको यहाँ पे जो स्टन ग्रेनेड की स्किन है वो मिल जाती है, तो ग्लाइडेड रोड स्टन ग्रेनेड देख सकते हो, कुछ इस तरीके का लुक है इसका। बाकी यहाँ पे फ्री पास के आउटफिट की बात करें तो लेवल 23 पे आपको एक मास्क मिल जाएगा, गैस मास्क टाइप का लग रहा है, नाइट रोमर मास्क इसका नेम है, तो ये एक एपिक आइटम है। और इसका जो सेट है वो देख सकते हो, ये भी आई थिंक यहाँ पे मेल सेट ज्यादा सही लगता है यहाँ पे इसमें, तो नॉर्मल सा सेट है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बैडेज मिल जाता है फिर से, और देन यहाँ पे आपको जो प्लेन की स्किन है वो मिल रही है, तो टैंक के साथ साथ आपको जो प्लेन की स्किन है वो भी यहाँ पे मिलने वाली है। ऐसा तो एटलीस्ट चलो नहीं किया कि टैंक की स्किन दे रहे हैं तो चलो प्लेन निकाल देते हैं, इसकी जगह ऑर्नामेंट डालते हैं, लेकिन ऑर्नामेंट नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे जो प्लेन की स्किन डायसोपियन क्लाउन फिनिश, इसके ऊपर भी जोकर टाइप का जो डिजाइन है वो बना हुआ है। नीचे आपको यहाँ पे इसका जो इमोट है वो मिल जाता है, जो अपने हाथ को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है, और देख सकते हो फिर नीस पे कुछ बैठता है, तो नॉर्मल सा इमोट है। मिथिक वाले जो इमोट होते हैं कुछ खास होते नहीं है। बाकी लेवल 35 पे आपको इस बार जो P92 की स्किन है वो मिल जाएगी, तो ये देख सकते हो थोड़ा सा नियॉन और ब्लू कलर में आपको जो स्किन है वो मिल रही है। और इस बार जो लेवल 40 पे QBZ की स्किन आ रही थी तो उसको आप देख सकते हो, ये वाली होने वाली है। पहली बार देखा था ना मेरे को तो लगा था यहाँ पे गन स्किन शायद ग्लिच है, लेकिन एक्चुअल में इसका डिजाइन ही ऐसा है। देख सकते हो पीछे से कुछ आपके हेयर्स है ना लेवल 50 वाले कुछ वैसा यहाँ पे दिया हुआ है। सही में काफी वियर्ड सी लग रही है, हालांकि काफी कलरफुल स्किन है यहाँ पे। इसके ऊपर कुछ एलिगेटर या क्रोकोडाइल टाइप का भी कुछ बना हुआ है, लिजर्ड टाइप का लग रहा है मेरे को कुछ। फिर अपना दोस्तों जो लेवल 50 है, तो लेवल 50 पे यहाँ पे जो मिथिक आउटफिट होगा आप देख सकते हो 3D लुक फाइनली आ चुका है, और इस तरीके से यहाँ पे इस आउटफिट का लुक होता है। इसकी जो आर्म है वो थोड़ी सी यहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट सेट की तरह थी जैसे आपको मैंने बताया था, और नीचे भी आप कुछ मैकेनिकल टाइप का जो हैंड है वो दिख जाता है। तो सेट को देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो सेट है वो सिर्फ मेल कैरेक्टर के लिए डिजाइन किया गया है, फीमेल में तो यहाँ पे अजीब सा ही लगता है यहाँ पे सेट। तो बाकी लेवल 50 पे आपको यहाँ पे इसका जो हेडगियर और जो सेट है दोनों अलग अलग मिलेंगे, दोनों मिथिक आइटम्स होने वाली है। और सेट में आपको जो क्लोथ इफेक्ट है वो तो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन हेयर में इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके जो हेयर्स देख सकते हो किस तरीके से कितने अच्छे से फ्लोट हो रहे हैं। सेट के साथ इमोट भी यहाँ पे डिसेंट सा लगता है। फिर दोस्तों डिटेल में रिवॉर्ड्स को देखने से पहले और रिडीम के रिवॉर्ड्स को जानने से पहले आप यहाँ पे जो C4 S11 है तो उसके जो टियर रिवॉर्ड्स हैं वो देख सकते हो। तो पहले हमारे पास यहाँ पे जो सिल्वर टियर है, सिल्वर टियर पे आपको मिलेगा ये देख सकते हो ग्लासेस। फिर आपको जो गोल्ड टियर पे आउटफिट मिलेगा वो देख सकते हो, यहाँ पे आपको मेल फीमेल दोनों में मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जिम ट्रेनर टाइप का सेट है वो है, और कुछ ऐसा लुक आता है। ऊपर से मेरे को आउटफिट लग रहा है कि पुराना कोई RP में आया था एक ऑरेंज कलर का, उसको यहाँ पे रीडिजाइन कर दिया। बाकी फिर प्लेटिनम पे आपको यहाँ पे जो पैराशूट है वो मिल जाएगा, हो सकता है यहाँ पे सीजन शॉप में भी आप डाल दें इसको, लेकिन ये वाला पैराशूट साइकिल 4 का है। बाकी फिर आपको यहाँ पे जो ग्रोजा की स्किन है डायमंड टियर पे वो मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से पूरे रॉयल पास में यहाँ पे जो ग्रोजा की स्किन है वो ही अच्छी लगी है। बाकी फिर आगे के यहाँ पे जो टायर्स होते हैं एस और एस मास्टर, तो वहां पे आपको एक सस्ता सा मास्क मिल जाएगा, और मास्क के बाद यहाँ पे हेडगियर यहाँ पे कह सकते हो काम का है।
डिसेंट सा एक हेडगियर है एस मास्टर का, बाकी एस डोमिनेटर पे आपको हर बार की तरह जो अवतार है वो मिलता है, और लास्ट में जो कॉन का टियर है तो उस पर अपना जो मिथिक फ्रेम आता है वही है। इसके बाद जो नेक्स्ट परचेज बोनस होने वाला है तो उसको आप देख सकते हो, उसके अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीजें मिलेंगी। पहला जो आउटफिट है वो आप फ्री में ले सकते हो अगर आप रिचार्ज करते हो, ये वाला आउटफिट आ रहा है। बाकी आपको यूसी लगा के अगर आपको स्किन चाहिए तो ये M16 की स्किन आप ले सकते हो। तो सही में रॉयल पास को छोड़कर अब गेम वालों ने परचेज बोनस में M16 को डालना स्टार्ट कर दिया है। फिर दोस्तों इसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे रॉयल पास के रिवॉर्ड्स देख सकते हो डिटेल में। आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो आउटफिट है, यहाँ पे आपको जो आउटफिट है वो क्लोज में देखने को मिल जाएगा। तो पहले ये सेट आ रहा है अपना डार्क रेंज सेट, ये वाला जो सेट आपको कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। और इसका आपने जो इमोट है वो देखा होगा, तो ये देख सकते हो ये वाला इमोट आ रहा है अपना मिथिक वाला। बाकी फिर आपको यहाँ पे जो क्यूबी सेट की गन स्किन मिल रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैं करेक्टर के साथ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लुक आता है स्किन का। यहाँ पे भी आपको वैसा सा इफेक्ट है इसके बैक पे देखने को मिल जाता है, तो सही में काफी कलरफुल सी गन स्किन है। बाकी फिर आपको यहाँ पे जो हेलमेट पहन दिखाया था तो उसके जो लेवल 1 देख सकते हो आप, क्रिमसन एजेंडा हेलमेट, तो इसके लेवल 1, उसके बाद यहाँ पे जो लेवल 2 और फिर लास्ट में लेवल 3। फिर यहाँ पे जो एक स्टन ग्रेनेड की स्किन है वो आ रही है, तो ये मिल जाएगी आपको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दोस्तों जो असेट है लेवल 1 का जो हाइस्ट वाला वो देख सकते हो, और साथ में जो P92 की यहाँ पे स्किन आने वाली है तो वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये वाला सेट भी यहाँ पे काफी अच्छा आ रहा है लेवल 1 में। तो बाकी फिर हमें यहाँ पे जो एक प्लेन की स्किन मिल रही है, तो ये प्लेन की स्किन है, और यहाँ पे फिर जो लेवल 10 पे टैंक की स्किन है, टैंक की स्किन भी काफी सही है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको ले सकते हो, क्योंकि ये वाली जो टैंक की स्किन है ये काफी रेयर बन जाए। अगर आपको चाहिए तो आप इस रॉयल पास में इसको ले सकते हो, हो सकता है उसके बाद काफी टाइम के बाद कोई स्किन आए टैंक की। पर ये जो टैंक है ये आपको सिर्फ जो पेलोड मोड है उसी के अंदर देखने को मिलेगा। फिर अब यहाँ पे जो रिडीम वाले रिवॉर्ड्स हैं, तो रिडीम में इस बार यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। एक यहाँ पे सेट होने वाला है सोलर लिनिएज सेट, तो देख सकते हो यहाँ पे इसका हेडगियर नहीं आने वाला, यहाँ पे बस सिर्फ आउटफिट है वो ही आपको मिलेगा, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे गोल्डन कलर में यहाँ पे जो लुक आउटफिट का वो होने वाला है। बाकी इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो आप कह सकते हो रिडीम में इस बार जो कार 90 की स्किन है वो भी यहाँ पे काफी लाजवाब से स्किन आ रही है, देख सकते हो एक्लिप्टिक यहाँ पे फर्नेस कार 98 है, और कुछ इस तरीके से इसका जो लुक है वो है। बाकी लास्ट में यहाँ पे जो विंगमैन की स्किन है 150 यूसी वाली, तो वो भी आपको देखने को मिल जाती है। हर बार अलग कलर की बाल्टी यहाँ पे इस पे डाल देते हैं, इस बार यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पे स्किन है वो दी है। बाकी यहाँ पे आप इमेज में लुक देख सकते हो और जो क्रेट है उसमें कौन से रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। तो अब यही था आज की वीडियो में आपको जो बताना था। बाकी जाते थे अपने यूट्यूब के रीति रिवाज है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वो करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।